डटे रहो चार्ल्स, तुम उन्हें हरा सकते हो। राजकुमार चार्ल्स खुद को अच्छी तरह बचा लेते हैं। इसका मतलब मैंने इम्तिहान पास कर लिया। आप अच्छा लड़ लेते हैं। सब आप ही की बदौलत है, आप बहुत बढ़िया टीचर हैं। एलेक्स, मेरी अगली क्लास कौन सी है? राज्य और राजनीति की। पर वो मुझे पसंद नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ। सराल के कुत्ते यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ अच्छा, तो तुम किताबों की रखवाली कर रहे हो, तुम्हारे मालिक कहाँ हैं? वो यहाँ क्या कर रहे हैं और उनके कुत्ते दरवाजे की निगरानी क्यों कर रहे हैं? कौन है वहां? चलो मुझे पता लगाना होगा उनका इरादा क्या है। क्या ये ट्रे हमारे महाराज के लिए है? जी हाँ हुजूर। इसे मुझे दो, मैं इसे उनके पास ले जाऊंगा। महाराज, आप खुद तंदुरुस्ती की सबसे बढ़िया मिसाल हैं। पेश है आपका पसंदीदा हॉट चॉकलेट। सोरा, तुम यहाँ कैसे? रानी साहिबा, आप हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही हैं। तारीफ के लिए शुक्रिया। बिना बताए आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ कहना है। राजकुमार चार्ल्स एक लाजवाब तलवारबाज बन गए हैं, मगर वो दूसरे विषयों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं महाराज। हाँ, उसके टीचर ने भी ये शिकायत हमारे सामने कई बार पेश की है। समझ में नहीं आता उसे और जिम्मेदार कैसे बनाया जाए। मुझे इस बात की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं है महाराज, क्योंकि सब जानते हैं कि राजकुमार चार्ल्स बहुत ही बुद्धिमान है। मेरे ख्याल से उनकी दिलचस्पी न लेने की वजह कुछ और ही है। अगर तुम कोई तरीका जानते हो जिससे हमारा बेटा पढ़ाई में दिलचस्पी ले तो हमें फौरन बता दो। उन्हें जरूरत है हौसला अफजाई की, एक खूबसूरत लड़की की जो उनसे शादी करके घर बसाएगी। यानी उसके लिए मंगेतर ढूंढनी होगी। हाँ, यही सबसे बढ़िया तरीका होगा राजकुमार चार्ल्स को समझाने का कि वो इस सिंहासन के वारिस हैं और उनकी जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं 17 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठा था और राजकुमार 16 साल का हो गया है। वही तो मैं कह रहा हूँ, हमें फौरन ये कदम उठाना होगा। जोरा जी महाराज, तुम राजकुमार चार्ल्स के लिए उम्मीदवार जमा करना शुरू करो, मगर सावधानी से। जी बिल्कुल, आपका हुक्म सर आंखों पर महाराज। जब भी कोई समस्या हो, राजा को अधिकार और श्रेष्ठता से काम लेना चाहिए, और सबसे खास बात यह है कि उन्हें निष्पक्ष होना चाहिए। कई बार राजा को बहुत जल्दी फैसला लेना पड़ता है, तब ये जरूरी है कि उनका फैसला अपनी पिछली गलतियों से मिले ज्ञान पर आधारित हो। मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ चार्ल्स, अभी नहीं। ओहो, आप दोनों बैठ जाइए। होने वाले राजा के लिए ऐसा बर्ताव शोभा नहीं देता। जब आपके पिता आपकी उम्र के थे तब वो काफी होनहार थे। वो तो कभी कभी देर रात में मेरे कमरे में आकर इतिहास, भूगोल, व्याकरण या गणित के बारे में सवाल पूछते थे। वो बहुत होशियार थे। ये दोनों कहाँ गायब हो गए? एलेक्स, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फिर से इस हफ्ते में तुम दूसरी बार भाग रहे हो। बहस मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं शहर गया हूँ। तो कम से कम मुझे अपने साथ ले चलो ना चार्ल्स, अगर किसी ने तुम्हें पहचान लिया और अगवा कर लिया तो। मुझे यकीन है मुझे कोई नहीं पहचानेगा। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। अगर महाराज को पता चला तो हम मुसीबत में पड़ जाएंगे। सिंड्रेला, उसे इतनी देर क्यों लग रही है? हमें अब तक रवाना हो जाना था। मामा, आप मेरे लिए एक ऐसी ड्रेस खरीदिए जिसमें मैं बड़ी लग सकूं, कुछ ऐसा जो राजमहल की औरतें पहनती हैं। मुझे भी एक नई ड्रेस चाहिए जिसमें बहुत सारा लेस और साटिन हो और बड़े बोज और मोती भी हो। और एक पंखों वाला खूबसूरत हैट चाहिए, एक नया नेकलेस और प्यारे से जूते। मुझे भी अपनी ड्रेस के लिए एक हैट चाहिए। ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुम्हारे लिए खरीद दूंगी, मगर ये शोर मचाना बंद करो। सिंड्रेला कहाँ है? उसकी वजह से हमें देर हो जाएगी, और अगर हमें देर हुई तो दुकानें बंद हो जाएंगी। पियर, देखो तो उसे देर क्यों हो रही है, और उसे फौरन यहाँ आने के लिए कहो। मैं अभी जाकर उसे ढूंढता हूँ मैम साहब। ये तो लगभग हो ही गया। तुम आज शहर जा रही हो? हाँ, वो सब खरीदारी करने जा रहे हैं। ये आखिरी। ओ
शुक्रिया, तुम दोनों के दिमाग का जवाब नहीं। मर गए, बचाओ। निशा बस करो, तुम बहुत बदमाश हो। निशा बहुत हो गया, दफा हो जाओ यहाँ से और इस कमरे से दूर ही रहो। सिंड्रेला, तुम्हारी मामा और बहनें तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। मैं अभी आई, पर मुझे कपड़े बदलने होंगे, मैं बहुत थकी हुई लग रही हूँ ना। ये सच नहीं है सिंड्रेला, जहाँ तक मैंने देखा है तुम अपने घर के कपड़ों में भी सबसे खूबसूरत लगती हो। आप तो सबसे यही कहते होंगे। माफ करना मुझे देर हुई माँ। कोई बात नहीं सिंड्रेला, अब हम ऐसी दुकानों में जाकर तुम्हारे लिए कुछ खरीद नहीं पाएंगे जहाँ सस्ता सामान हो। आ जाओ। मामा, उसकी इस हालत में हम उसके साथ नजर नहीं आ सकते, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हम अपनी नाक नहीं कटाएंगे। कपड़े बदलने का वक्त नहीं था। तो लड़कियों, अब क्या किया जाए? उसे यही छोड़ेंगे। सिंड्रेला को यही छोड़ दिया तो हमारा सामान कौन उठाएगा? कुछ सोचा है? तो फैसला हो गया, सिंड्रेला तुम साथ चलोगी मगर पियर के साथ आगे बैठोगी, यहाँ नहीं। जी माँ। अब चलो भी, पहले ही काफी देर हो चुकी है। शायद तुम मुझसे ज्यादा जगह ले रही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बहुत ही दुबली पतली हूँ। वो तो तुम ही हो जो हमेशा मुँह में मिठाइयाँ ठूसती हो। मामा रोको इसे, ये मुझे सता रही है। अच्छा अब तुम दोनों बहस करना बंद करो, पहले ही रास्ता उबड़ खाबड़ है। उबड़ खाबड़। चलो मार्गरेट और तेज। सिंड्रेला धीरे। ओह सिंड्रेला तांगा चलाना सीख रही है। ओह कहा कि राजकुमार चार्ल्स बहुत ही नखरे वाले हैं। उनके नौकरों को उनके कपड़े तब तक साफ करने पड़ते हैं जब तक उन पर से धूल का नामो निशान न मिट जाए। सुनकर तो यकीन नहीं होता। अरे मैंने तो सुना है कि वो अपने जूते एक बार पहनकर फेंक देते हैं, अजीब रंग ढंग है। वो एक राजकुमार है, वो जितने चाहे उतने जूते खरीद सकते हैं। जरा सोचो, शाही परिवार का हिस्सा बनना कैसा होता होगा। जैसे चाहिए वैसे कपड़े मिल जाते हैं। यही वो दुकान है जो मैं आपको बता रही थी मामा, यहाँ सबसे बेहतरीन ड्रेसेस हैं। शाही लोग भी यही आते हैं। मुझे एक लेस से भरा ड्रेस चाहिए ताकि तुम्हारा मोटा सा पेट छुप जाए। पहले इन्हें हम पहन कर तो देखें। सिंड्रेला तुम इस सामान के साथ बाहर ही रुको। मगर मैं भी देखना चाहती हूँ। इसमें वक्त बर्बाद होगा। जो तुमने पहना है वो तुम्हारे लिए बिल्कुल ठीक है और वैसे भी तुम्हें नए ड्रेस की क्या जरूरत है। मेरे पापा अपने सफर से लौटते वक्त जरूर मेरे लिए नई ड्रेस लाएंगे और कुछ अच्छे से जूते भी। कुछ फूल चाहिए मेम साहब? नहीं शुक्रिया, इन्हें खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं। ओ अच्छा, ठीक है, अलविदा। वो फूल वहाँ क्यों पड़े हैं? वो खराब हो गए थे इसलिए फेंक दिए। ये ठीक नहीं, वो अब भी अच्छे लग रहे हैं। क्या मैं उन्हें ले सकती हूँ? जरूर ले सकती हैं। ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। देखिए मैं। अरे तुम फिर से? आप तो वही है जिनसे मैं उस दिन टकराई थी। ठीक कहा तुमने, तुम्हें याद है? ऐसी खूबसूरत लड़की मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये बहुत ही अच्छा लड़का मालूम होता है और दिखता भी खूबसूरत है।
अजीब इत्तेफाक है ना? बस इस बार आप मुझसे टकरा गए। मुझे माफ कर दो, मेरा ध्यान नहीं था। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। शुक्रिया। ओह, इन पर तो सिल्वर टेप पड़ जाएंगी। क्या ये सारा सामान तुम्हारा है? हाँ बिल्कुल। मुझे तुम मदद क्यों नहीं करने दे रही हो? कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। शुक्रिया। देखो, अगर किस्मत ने हमें फिर से मिला दिया है तो हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जान सकते हैं ना? मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे कम से कम अपना थोड़ा सामान तो उठाने दो। इसकी जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। संभल कर। मेरा सर। कम से कम अब तो मेरी मदद स्वीकार करो। पूछने के लिए माफी चाहता हूँ, पर क्या तुम शहर में रहती हो? नहीं तो? तो फिर तुम शहर में कैसे पहुँची? तांगे में बैठकर। और कैसे? अरे मुझे समझना चाहिए था, क्या तुम्हारी मालकिन ने तुम्हें तांगे में सारा सामान लेने के लिए भेजा है? नहीं, मैं यहाँ किसी की नौकरी नहीं करती। अरे देखो, मेरा वो मतलब नहीं था। सुनो मामा, मुझे बहुत भूख लगी है, अगर मैंने कुछ मीठा नहीं खाया तो मुझे चक्कर आ जाएगा। बहुत हो गया जिन, सब्र करो। अगर तुमने मीठा खाना बंद नहीं किया तो टेलर से सिलाए कपड़े तुम्हें नहीं आएंगे। मुझसे ऐसी बातें मत करो कैथरीन। जिन, सिंड्रेला को ढूंढो और उससे कहो कि वो पियर को यहाँ लाए, मगर तुम रास्ते में मिठाई की दुकान में मत जाना वरना तुम्हें रात का खाना नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है? क्या तुम मेरे साथ घोड़े पर बैठना पसंद करोगी? हाँ, कुछ दिन पहले तक मैं अपने पापा के साथ घुड़सवारी करती थी। पता है, मैंने अभी अभी टांगा चलाना सीखा है। तुम तो होशियार हो। कहाँ गई होगी? हाँ, वो एक अजनबी से क्यों बातें कर रही है? मुझे पता लगाना होगा कि वो क्या बातें कर रही है। पुरानी यादें ताजा हो गई। तुम्हें शिकार करना पसंद है? जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ बगीचे में मुर्गियों का शिकार किया जाता है। बगीचे में शिकार कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। मुझे निहत्ते जानवरों का शिकार पसंद नहीं, वो भी सिर्फ मजे के लिए। बेचारे मजबूर जानवर। मजबूर जानवर? मैं जानती हूँ आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। शिकार करने लायक बड़े बगीचे होते ही नहीं है सिर्फ शाही महल को छोड़कर। आप तो बहुत बड़े झूठे हैं। नहीं, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मैं वहीं तो रहता हूँ। मैं बाकी महल में रहता हूँ, मगर मैं शिकार नहीं करता। मुझे बंदूक छूने की भी इजाज़त नहीं है। ये महल में रहता है नामुमकिन। जी, इतनी देर क्यों लग रही है? सिर्फ महाराज ही मुर्गियों का शिकार कर सकते हैं, और मैं राजकुमार को तलवारबाजी सीखने में मदद करता हूँ। तलवारबाजी? आप और राजकुमार? हाँ, मैं उनका खास नौकर और अच्छा दोस्त हूँ, इसलिए तो मैं महल में रहता हूँ। सचमुच? मुझे उनके बारे में कुछ और बताओ, क्या वो वाकई उतने कुशल है जितना सुना है? क्या तुमने सुना है कि वो जूते सिर्फ एक ही बार पहनते हैं? क्या? अगर उन्हें कोई जूता पसंद आता है तो वो उसे तब तक पहनते हैं जब तक वो जूता फट ना जाए। मुझे यकीन नहीं होता, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, वो एक सीधा साधा लड़का है। जब हम जंगल में जाते हैं तो मिट्टी में लथपथ हो जाते हैं, और उनका सबसे पसंदीदा खेल है तलवारबाजी। क्या? क्या? मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा, हमारे राजकुमार वैसे नहीं। अरे रुक जाओ, मत जाओ, मेरी बात तो सुनो। रुको। नहीं, मेरी माँ और बहनें इंतजार कर रही हैं, मुझे जाना होगा। हमें एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। अरे जाते जाते मुझे अपना नाम तो बता दी जाओ। मैं झूठे लोगों को कुछ नहीं बताती। अलविदा झूठे। माँ, मैं आ गई। माफ करना, मुझे वक्त का पता नहीं चला। तुम किससे बातें कर रही थी सिंड्रेला? यूं ही मैं फूलों के मेले में एक लड़के से मिली थी। मेरी बेटियों को और मुझे यहाँ थोड़ा और काम भी है, मगर तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं। तुम हमारा सारा सामान पैदल ही घर ले जाना और जाकर खाना भी बनाना, और उन पर सिल्वर टेप मत पड़ने देना। क्या वो सचमुच राजकुमार चार्ल्स का खास नौकर है? हाँ, वो उनके जूतों के बारे में भी जानता है, और वो उनका खास दोस्त और तलवारबाजी का साथी भी है। अगर वो सच कह रहा है और वो सचमुच राजकुमार का दोस्त है तो वो उन्हें अच्छी तरह जानता होगा। हम उससे पूछ सकते हैं कि उन्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद है, फिर तुम में से एक उससे शादी कर सकती हो। हाँ। हेलो दोस्तों। देखो कौन आई है। हेलो, अंदर आ जाओ। आज सब लोग शहर गए हैं। यहाँ सब कुछ बहुत बढ़िया है, तुम सबने बहुत अच्छा काम किया है। हमारी सिंड्रेला क्या कर रही है देखें।
पैदल ही घर आ रही है। इस रफ्तार से तो मैं रात से पहले घर नहीं पहुंचूंगी। इसका मतलब है मेरे पास खाना बनाने का वक्त नहीं होगा और माँ को मुझे फिर से डांटने का मौका मिल जाएगा। वो बेचारी थक गई है। सिंड्रेला को हमारी मदद की जरूरत है। मेरे जादू से उसे वे सुरक्षित घर ला सकेंगे। वो तांगा तो उल्टी तरफ जा रहा है। मैं जानती थी कि वो महल में नहीं रह सकता। उसके कपड़े मैले थे। राजकुमार चार्ल्स तो कभी वहाँ देखो ऊपर। वो वाकई महल में रहता है। यानी वो सच कह रहा था। उससे क्या फर्क पड़ता है, वो कोई आम नौकर या घोड़े संभालने वाला होगा। कोई फायदा नहीं, मैं एक कदम भी नहीं उठा सकती। सिंड्रेला! सिंड्रेला! मेरे दोस्तों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? पैपी ने हमें बताया, वो जब उड़ रही थी तब उसने तुम्हें देखा। मैं अपने कुछ दोस्तों को लाती हूँ ताकि वो तुम्हारा सामान उठा सके। मैं अभी वापस आती हूँ। इस इलाके के सारे पंछी तुम्हारी मदद के लिए आ रहे हैं। चलो घर चलते हैं। शुक्रिया, तुम सब बहुत अच्छे हो। हम ये पकड़ लेते हैं। चलो तुम्हें घर ले चलो। बस अब और थोड़ी ही दूर, हम लगभग पहुंच गए। हाँ। तुम्हें वो लड़का कैसा लगा? शायद वो खास नौकर नहीं है, वो काफी बेजंगा था। तुमने शायद ठीक से ध्यान नहीं दिया लड़कियों, उसके कपड़े काफी ऊंची क्वालिटी के और काफी महंगे थे। वो एक आम नौकर नहीं लग रहा था, वो खास ही होगा। लेकिन वो सिंड्रेला से कैसे मिला, वो तो उसके दर्जे की नहीं है। और तेज पियर। गुड बाय दोस्तों, मदद के लिए शुक्रिया। चलो खाना बनाते हैं। मेरे पास कुछ खास बनाने का वक्त नहीं होगा, वो निराश हो जाएंगे। हाँ? ओह, ये सब किसने किया? बहुत खूब। क्या तुमने ये सारी तकलीफ उठाई दोस्तों? तो फिर ये किसने किया? उन सब बातों को छोड़ो ना, चलो तुम्हारी सौतेली माँ और बहनों के आने से पहले खाना लगा देते हैं। ओह, तुम ठीक कहती हो। घर में आपका स्वागत है, आप सबको भूख लगी होगी। बैठ जाइए, मैं खाना परोसती हूँ। ओह, ये तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। रुको। पर मामा, मुझे बेहद भूख लगी है। बहुत वक्त के बाद तुमने मेरा हुक्म ठीक से माना है, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। शुक्रिया। जल्द ही हमारे यहाँ कोई खाने पर आने वाला है, तुम्हारी मदद लगेगी। क्यों नहीं? मैं उस लड़के की बात कर रही हूँ जिससे तुम बात कर रही थी। तुम उसे मेरी तरफ से बुलाओगी, समझ गई ना तुम? पर ये तो नामुमकिन है, मुझे तो उसका नाम भी नहीं मालूम। हम तो बस यकायक मिले थे। तुम खुद को समझती क्या हो? तुम मामा की बात को नहीं टाल सकती। क्या तुम्हें हमारी शर्म आती है सिंड्रेला? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तय हो गया, कल तुम सबसे पहले उसे ढूंढोगी और घर पर बुलाओगी। और अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो तुम पछताओगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी माँ। तुम कल सुबह जल्दी निकल जाना, पर खाना भी तुम्ही को बनाना पड़ेगा। मामा, क्या अब हम खाना खा सकते?